देवा, विष्णु अपने साथियों के साथ हमारे इलाके में आ रहा है। देवा देवा, वो सब हथियारों से लैस है। देवा, वो सारे चौराहे पर आ गए हैं। ये वही ना बात, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफान भी मेरा नाम सुनकर रुख बदल देता है। जो मुझसे टकराएगा वो मुंह भर माटी खाएगा। आज तो फैसला हो के रहेगा, या तो मैं नहीं रहूंगा या फिर तू नहीं रहेगा। तो हो जाए। क्या? नहीं छोड़ूंगा साले, वार साले को छोड़ूंगा नहीं आज। आज रुक, ए साले रुक। ए, हट, ये बाजार है ए, और बाजार में गुंडागर्दी करना गैर कानूनी काम है। रुक, और गैर कानूनी काम करने वाले को असलम छोड़ता नहीं, तोड़ता है। ले चल सालों को, चल चल, ले चल सालों को, बैठाओ सालों को गाड़ी में बैठाओ। छोड़ूंगा नहीं साले को। अरे कहाँ ले जा रहे हैं वे? अरे अरे, ये कोई तरीका है क्या यार? अरे जुगराज, जुगराज ने चुनाव में जनता का वोट चोट पहुंचाकर पाया है। उसका सारा काला चिट्ठा है मेरे पास, और इस बार के चुनाव में ये सब कुछ नहीं चलेगा। चुप! सुन, ये हवेली और ये कान दोनों ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं करता है, समझा पत्रकार? तो मुझे तेरी सूरत नहीं, गांधी जी पसंद है। अब जल्दी से मुझे युवराज से मिला दे, अब मेरे पास टाइम नहीं है। सबको सन्मति दे भगवान। जिंदगी एक पल में बदल जाता है। छुट्टन जी भैया, इसकी लाश को जंगल में ले जाके फेंकवा दो। दो चार जानवर खाएंगे ना तो थोड़ा मेरा पाप कम हो जाएगा। हो जाएगा भैया। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, वो इंस्पेक्टर असलम, उसने देवा और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रामधरपुर, मोहम्मद असलम थाना अध्यक्ष। हे इंस्पेक्टर, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरे दो खास आदमियों को गिरफ्तार कर लिया? छोड़ दो उन दोनों को। क्यों, क्यों छोड़ दूं? वो दोनों बाजार में झगड़ा कर रहे थे, और हाँ, FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब जो फैसला होगा अदालत में ही होगा। हे इंस्पेक्टर, इन छोटी मोटी बातों के लिए अदालत को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। दोनों मेरे अनमोल रतन हैं। तुम उन दोनों को मेरे पास भिजवा दो, मैं उन दोनों को समझा दूंगा। और हाँ, दोबारा फोन ना करना पड़े।
वारे साला, देश का सिस्टम। अंगूठा छाप आदमी कानून को ठेंगा दिखाता है, और वही अंगूठा छाप आदमी राजनीति की कुर्सी पर बैठकर इस देश की तकदीर लिख रहा है। आओ सुनो, तुम्हारा ये कानून का रिमोट राजनीति के सेल से चलता है। और तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है? उसी विधायक के हाथ में। अरे तुम्हें बुलाया है, कुत्ते की तरह पूछ लाते, उसके पास जाओ। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, और अगर इस बार कोई शिकायत आई ना तो गिरफ्तार नहीं करूंगा, सीधा एनकाउंटर करूंगा। विष्णु, ये मेरी धमकी नहीं, चेतावनी है, याद रखना। ए तिवारी। यस सर। खोलो और भगा इन दोनों को। जाओ और आंख मत दिखा। हमरे रोडुआ पे टेम्पो चलाओ बालमा। चलेगी, टेम्पो भी चलेगी और गोली भी चलेगी। सचिव महोदय को खबर भिजवा दिया? हाँ, भिजवा दो। प्रणाम भाई जी। अरे देवा। हाँ विष्णु। प्रणाम। अरे आओ मेरे शेर, आओ, तेरे बिना जुगराज अधूरा है रे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ये शहर तुम दोनों को आधा आधा बांट चुका हूं तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाई जी, मेरे हिस्से में जो आंख कराएगा जमाने के लिए वो किस्सा बन जाएगा। हा? भाई जी, तो मैंने कौन से अपने हाथों में चूड़ी पहन रखी है? तीर का जवाब तलवार से देना अच्छे से आता है। ए, चुप चुप, बहुत शेर हो गए हो। अरे ये हमारे दोनों हाथ जब आपस में लड़ेंगे तो इस शहर में मेरा सिक्का कैसे चलेगा? तुम दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज पहली बार तुम दोनों एक साथ मेरी नजर के सामने आए हो। चारों के साथ आज मैं जस्ट बनाऊंगा। जस्ट? ए छुट्टन, आज जश्न की तैयारी करो।
खेत खाए गधा मारा जाए जुल्हा। अरे क्यों मेरे में डंडा कर रहे हो, इसको तो बांस करना चाहिए। और वो दो सालों को 50-50 ग्राम पूछ दे देते, झगड़ा बंद कर देते साले, मेरा नुकसान से तो बच जाता मैं। कुछ करो प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्यारे भैया। हाँ बोलो। ये अंजुम बहन को एक बिस्कुट दे दो भैया। अच्छा 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 अच्छा। मैं शाम को लौटूंगा तो मैं पैसा दे दूंगा। अरे भाई तुम लोगों की बुद्धि घुटने में गया यार, मैं क्या करता रहूं, तुमको उधार दूं कि अपने घर परिवार को चलाओ, कैसे करूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता यार। आधी रात को भी तुम लोग जब भी मांगते हो है? मैं ऐसे उधार में कहां से दूं तुमको यार, कभी भी कुछ भी मांगते हो है? अच्छा भैया बोनी होने के बाद ही दे देना। अच्छा अच्छा आ जाओ इधर। जा बहन जा। प्यारे भैया। हाँ। नहाने वाला कोई बढ़िया साबुन है? हाँ भाई सब है, देह में लगाने वाला है, पेट में लगाने वाला, इधर आगे पीछे दाएं बाएं और वहाँ पे जो है खुजली करने वाला भी है। तो ऐसा करो ना, उसी से हाथ धोके झट से 1 किलो चीनी दे दो। कैसे करते, कुछ भी करते हो, ऐसे चलेगा काम? ऐसा नहीं चलता है, देखो भाई जब भी करते हो बाप से मजाक करते हो। अरे जल्दी दो। ऐसा दे, ये लो। बढ़िया। ए बेटा बहुत मिलावट का जमाना है, इसके लिए मैं तुम्हें टेस्ट करके दे रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। ए बाबू बनिया हूँ। हेलो, कौन आ रहा है? क्या है? साला इसीलिए कहा जाता है कि समय मेहरबान तो गधा पहलवान। साला ऐन वक्त पे पुलिस आ गई, नहीं तो आज साले नहीं बचते। ज्यादा दिन नहीं बचेंगे साले, एक दिन ऐसा मारूंगा कि सारी हेकड़ी ठंडी हो जाएगी। ये सोच उन लोगों की भी हो सकती है, हमें सतर्क रहना चाहिए और दुश्मन को कभी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। देवा हम लोग एकदम चौकन्ने हैं, इस बार आर या पार, और विष्णु को छोड़ दो तो किसी में भी दम नहीं है, किसी में दम नहीं है। कुछ भी हो विष्णु के इलाके में कोई अकेला नहीं जाएगा, समझे? और रही बात विष्णु की, तो उसका तत्काल टिकट मेरे काउंटर से कटेगा। चूड़ी ले लो चूड़ी। पारो आई है। हाँ चूड़ी ले लो चूड़ी। हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए? वाली, ये लो मुझे भी दे दो ना। हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए? अरे लेना तो बहुत कुछ है। तो बोलो, पारो के पास सब कुछ है। पर फिलहाल हाँ? अभी तो एक सुंदर चूड़ी खरीद कर पहन लो मेरे नाम की। अच्छा तो हम पहन ले तुम्हारे नाम की चूड़ी। चुप इस साला, रख ले अपना पैसा और पकड़िए चूड़ी, और इसे अपनी बहन को जाके पहना देना। पारो को चूड़ी पहनाने वाला कोई मर्द ही होगा, तेरे जैसा नामर्द नहीं, चल हट। अरे विष्णु तू अरे 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 राजा जी, अरे, मेरे राजा जी कहाँ जा रहे हो, कैसे हो मेरे जान? देख पारो मुझसे ऐसी बात मत क्या कर। तो मैं कैसे बात करूँ तुमसे? अरे? अरे मेरे दिल का रास्ता तो तेरे ही दिल से मिला है। चलो अरे? बोलो। अरे बोलो ना। हटो हटो। अच्छा अच्छा चलो, जरा ये तो बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो ना।
बोलो बोलो। बताओ, इधर आओ। आज तुम बिल्कुल बकवास लग रही हो। क्या? फालतू। क्या? फालतू। फालतू? हाँ। ए रानी, ओढ़नी उतार जानी, चलो दिल जानी, पोरे पोरे झल के लचड़ ली जवानी। तू हो ता जवान बड़ा देह के गठीला, उहे चाही हम के जे गाड़ गई गीला। सुना तीर नैनन के दिल पे सटाक लगेलू, सटाक लगेलू। एह बबुनी सुन रहनी, तू हमरा के फुल टू पटाक लगेलू। हरे राजा सुन राजा, तू हमरा के फुल टू पटाक लगेलू। जवानी तो हर खड़े खड़े नाप दी, तोहरा के मजा मिली बहिया में चाप दी। हाली हाली करा जानी धारा तानी धीर हो, आज नहीं सपरित काल मिली धीर हो। हो साजो तू ही भोजपुरी यार, रोक लगेला रोक लगेला। अरे ओह रानी सुन डार्लिंग, तू हमरा के फुल टू पटक लगेलू। अरे ए राजा ए राजा, तू हमरा के फुल टू पटक लगेला। छोड़ तो से टाका हम भी आए, प्यार से न मन बुता टांग के ले जाए। हिम्मत बटे के कर में हाथ जो लगाए, दिल तो हमारे दिल वाला लेके जाए। लेके मक्खन जवानी झटक लगेलू, झटक लगेलू। एह रानी एह जानू, तू हमरा के फुल टू फटक लगेलू। अरे एह राजा ए राजा, तू हमरा के फुल टू फटक लगेला। ओढ़नी उतार जाने, चलो दिल जानी, पोरे पोरे झल के लचड़ ली जवानी। तू हो ता जवान बड़ा देह के गठीला, उहे चाही हम के जे गाड़ दई गीला। सुना तीर नैनन के दिल पे सटाक लगेलू, सटाक लगेलू। एह बबुनी सुन रहनी, तू हमरा के फुल टू पटक लगेलू। हरे राजा सुन राजा, तू हमरा के फुल टू पटक। उसका नाम तुम्हारा नाम हमारे, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम तुम्हारे, और उसका नाम रहेगा दूसरा का पटदारे का, तेल लगा के। पापा पैसे दो, पापा मुझे पैसे चाहिए। जैसे आप रहे थे, भाग 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 भाग, मुंह तोड़ दूंगा साले। भगवंती, ए भगवंती, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ हो। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तेरे लड़के के चक्कर में तू जवानी में बुढ़ी हो जाएगी। बैठो। अच्छा बताओ क्या बात है। बैठो 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 बैठो, इधर बैठो। ए मेरी भगवंती, मेरे नाना के मामा के मौसी के फुआ के बिटवन बिटिया आ रही है तेल लगा के। हाय रे दैया, इस उम्र में तुम्हारे मौसी कहाँ से पैदा हो गई रे? तू क्या है? मैं वो नहीं जानता हूँ, वो तो मेरी तुर्की रिश्ते की मौसी है, और मेरी मौसी बड़ी मालदार है तेल लगा के। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में कोई मेहमान आया तो उनका सेवा तुम ही करना। मैं तो मायके जा रही हूँ अपने भाई के पास। हाँ मेरी पूलन देवी, मेरी चंपा कली,
ए, पीली साड़ी में ऐसी लग रही हो जैसे सरसों के खेत में कोई भैंस चर रहा हो। अरे घर आए लक्ष्मी को क्यों भगा रही हो? सोचो, मेरी मौसी आएगी तो कुछ पैसा देगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर होगा, चाकर होगा। मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा कि सूट बूट पहनूंगा और तुझे छोटा छोटा कपड़ा पहनाऊंगा और बाह में लेके पटना ले चलूंगा हनीमून मनाने। तेल लगा के ये बात पहले नहीं कहनी चाहिए थी। हम तो ऐसे उनकी सेवा करूंगी कि सीधा स्वर्ग दिखाई देगा। हाँ, वो तो मालूम ही है कि मेरी माँ को मार दिया था खाने के बिना तेल लगा के। बहुत सुंदर एक चम्मा तो। अरे चिंता मत करिए सरकार, एक बार जरा चुनाव तो हो जाने दीजिए, फिर देखिए हम चुनाव भी जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। कहे कि हमारे हाथ में सत्ता का सुख लिखा है, सत्ता का। अगर सत्ता का सुख भोगना चाहते हो भैया तो उस तिलकधरी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तिलकधारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर वो चुनाव लड़ेगा तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, देवा को भेज दो, वो तिलकधारी को देवा ठीक से समझा देगा। वो कुछ नहीं करेगा भैया, क्योंकि वो तिलकधारी उसके प्रेमिका का मामा है। अरे ये तो सोने पे सुहागा है छुट्टन, इस काम के लिए विष्णु को भेज दो, क्योंकि विष्णु और देवा के बीच में जो दुश्मनी की आग है वो भी तो जलती रहनी चाहिए। देवा, वो देख तेरी देवी आ रही है। ये तो तेरी शराबत को तेरी कमजोरी समझ रही है। कहे तो तुझे गोदी में उठा के ला दूं। रानी, रानी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, मेरी बात तो सुनो एक बार। ऐसा ही होता है, प्यार का इजहार करने से पहले ये सारे लड़के लोग पीछे पीछे ही घूमते हैं, और एक बार जब प्यार का इजहार हो जाए तो ये लड़कों के बड़े भाव हो जाते हैं। आ गए तुम इसी तरह लेट करते रहना, देख लेना एक दिन तुमसे पहले ना कोई और मेरे घर बारात लेके आ जाएगा। रानी, अगर ऐसा हुआ तो दूल्हा समेत सारे बारातियों को काट कर भागी बन जाऊंगा। देव, तुम मुझसे इसी तरह प्यार करते रहना। बाबूजी, लगता है घड़ी का सेल खत्म हो गया है, देखो ना कितने धीरे धीरे चल रही है। ये कैसे? अरे कल ही तो तू बाजार से नया सेल लेकर आई थी। शादी की उम्र हो गई, अभी तक समझ नहीं आई। आ जाओ। बाबूजी, देवा, माँ, देवा। क्या हाल चाल है बेटा? खुश रहो, सब ठीक है ना? जी बाबूजी, सब आपका आशीर्वाद है। आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? जिंदगी के बारे में पढ़ाई बढ़ाई तो पूरा हो गया ना? जी हाँ। दो चार जगह तो इंटरव्यू दे ही दिया है माँ, अब जहाँ से बुलावा आ जाए। अच्छा, मान लो बेटा कि नौकरी अगर नहीं लगा तो आगे का क्या सोचे हो? जी जी, मैंने सोचा अब बिजनेस करेंगे बाबूजी, बिजनेस करेंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है बाबूजी। अच्छा, तो लगे हाथ ये भी बता दो बेटा
कि ब्याह का तारीख कब रखा जाए। शर्मा गई। चलिए हम चलते हैं भाऊजी। प्रणाम। खुश रहो। जीते रहो बेटा। वो सब हमने उनको बता दिया है, सब हो जाएगा। हाँ। क्या रे, सुना है कि तुझे राजनीति का सुलेमानी कीड़ा काटा है और तू चुनाव लड़ने चल दिया। कीड़ा काटे मेरे दुश्मन को, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और इस शहर में शांति कायम करना चाहते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि ये चुनाव लड़ने का इरादा बदल दो और चुपचाप जुगराज बाबू के झंडे के नीचे आ जाओ। तू मुझे धमकाने आया है? ना, मैं धमकी नहीं, सिर्फ अपनी बात कहने आया हूँ। अगर प्यार से नहीं माना तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। उस्ताद, ये लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। ए साले, हद मेरे, हम गुंडों के मुंह नहीं लगते। ए साले, जुबान को लगाम दे वरना जुबान काट कर लंगोट बना के पहना दूंगा। ए वो देख, देवक आदमी, पकड़ पकड़ उसको। अबे रुक रुक रुक, अबे तेरी मार मार सारे को, मार मार मार। अब अगर मेरे एरिया में आए ना तो याद रखना, घास नहीं मांस खाता हूं। हट साले। क्या आ गए तुम लोग? हाँ। और ये रघु कहाँ पे है? दो तीन दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अरे उसका तो दो चार रोज से कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। क्या हुआ महाराज? किसने? विष्णु ने। विष्णु? विष्णु और उसके लड़कों का कलेजा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। कहाँ मिलेंगे वो सब? चौराहे पर। आज उसी चौराहे पे ना, उनका चबूतरा बना दूंगा। चलो सब। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आज देव और विष्णु फिर आ गए मार्केट में। विष्णु, मैं कोई उधारी बाकी नहीं रखता हूं। तेरे आदमियों ने मेरे आदमी को मारा है, मैं तेरे आदमियों को मारने आया हूं। इस गलत फहमी में मत रहना कि तू मेरे आदमी को मार पाएगा ना। Yeah.
अरे ये क्या फोड़ो तुम लोग फोड़ो। अरे एक जगह के होके इतनी दुश्मनी, एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हो, छोड़ो। ए बुढ़िया बंद कर अपनी बकवास, नहीं तो इसके साथ तू भी जाएगी। हट बुढ़िया, वरना तू भी इनके साथ मारी जाएगी आज। तुम लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्ग से कैसे बात किया जाता है? ए, रुक 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 रुक। ले चलो इन दोनों को, मेरी चेतावनी को हल्के में ले लिया, अब छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, चल। अरे इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो मुझसे मिलने आए थे। तुम कौन हो? मैं गायत्री हूँ, इन लोगों की माँ की सहेली हूँ, इस नाते मैं इन लोगों की मौसी लगती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। तुम लोग बताओ ये सच कह रही है? तू चलो सबरे। आज तो मैंने बचा लिया, लेकिन दूसरी बार झगड़ा करोगे तो दोनों का कान पकड़ के खुद थाने ले जाऊंगी, समझे? अब जा। मान लिया मौसी, तुम तो साक्षात दुर्गा माँ की बहन लग रही हो, पर तुम इस गांव की तो नहीं लगती, किसके घर जाना है? ओ मैं प्यारे की मौसी हूँ। ओ और यहाँ आई हुई हूँ, लेकिन प्यारे मुझे लेने नहीं आया। तुम क्यों चिंता करती हो मौसी, मैं हूँ ना पारो, मैं ले चलूंगी प्यारे भैया के घर पे, उधर से चलो। यहाँ के लड़के बहुत बदतमीज और गुंडा टाइप के हैं। वो लोग इतना लड़ाई क्यों कर रहे थे? नहीं मौसी, वो लोग गुंडे नहीं है, अरे वो दोनों तो इस गांव के बहुत ही होशियार और होनहार लड़के हैं। पता नहीं एक मजाक में लगी शर्त ने दोनों की जिंदगी बदल दी। चलो तुम्हें देख के तुम्हारी दीदी बहुत खुश हो जाएगी। रुको रुको चलो चलो। आओ आओ दीदी। आ गई तो? तुझे यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं दीदी। जीजा जी ठीक से ले आए ना? ये लो जीजा जी, मुझे नहीं बल्कि मैं उन्हें लेके आई हूँ। हाँ क्यों नहीं, जो गहराई और ऊंचाई तुम्हारे पास है वो मेरे पास तो है नहीं। अभी नापने और तौलने की बात छोड़ो और सामान को उठा कर अंदर रखो। हाँ और वो बोधर हलवाई के वहाँ से मिठाई लेके आओ। ठीक है ठीक हाँ, है। चलो रेखा तुम हाथ मुख धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। देखो जीजा थोड़ा संभाल के, मेरे सामान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारे सामान की हिफाजत तो मैं कर लूंगा, मगर अपनी चिंता तुम खुद करना, क्योंकि इस गांव में तुम्हारे कुमारे जीजा बहुत हैं। चलो लो।
ये कौन है यार? गलियां तेरी गुलाबी गुलाबी गलियां तेरी गुलाबी गुलाबी गवैया साला नन्हे तेरे शराबी शराबी अरे, अरे यार अरे उठो उठो और गाना वाना छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे बगल में वो कौन माल आया है जिसे देखकर मेरा मन घायल हो गया। कहीं घाव लगा है क्या? ना। तो फिर क्यों ऐसे पगले की तरह बात कर रहा है? बगल में माल आया है। थोड़ा जाके देखो फिर बात करेंगे। सच्ची? जाके देखो। ठीक है मैं देख के आता हूँ। हाँ। अरे यार, अरे भाई, क्या माल है यार, वाह, कब देखा था? अभी। सुनो, अब ये पता लगाओ कि ये कौन है और कहां से आई है। यार ये मुझे दिखी थी बंसी भैया की छत पे। बंसी? जरूर उसकी साली होगी। बंसी भैया की साली मतलब हमारी आदि घर वाली। 50-50। ओके। पक्का? पक्का। रेखा? कपड़े सो गए क्या? हाँ। लाओ ये लो। दीदी तेरे घर के बगल में दो दो बागड़ बिल्ले रहते हैं। जानती हो एक तो मुझे देख के अपना गला फाड़ता रहता है और ये दूसरा अपनी मोटरसाइकिल से आया और मुझे देख के भाग गया। अरे तुम विष्णु और देवा के बारे में बात कर रही हो? अरे उन दोनों की दोस्ती के तो इस शहर के लोग मिसाल देते हैं। आज के जमाने में ऐसी दोस्ती मैं नहीं मान सकती। ना उन दोनों की दोस्ती एकदम निस्वार्थ भाव की है। अगर मैं इन दोनों की दोस्ती को तोड़वा दूँ तो? नहीं, पानी को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। तो लगा लो शर्त। हाँ तो लगा शर्त। मैं इन दोनों की दोस्ती चुटकी बजाते ही तोड़ नहीं तोड़ पाओगी। तो ठीक है। भाभी ये मेरी बहन है। अब देखो ना तुम्हारे भैया के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो तुम इसको थोड़ा शहर घुमा दो ना। अरे भाभी मेरे को बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है नहीं तो घुमा देता। भाभी प्रणाम। खुश रहो पर मुझे कभी कुछ नहीं किया। हाँ हा? क्या बात हो गई? कोई गलती हो गई क्या? देखो ना मेरी बहन मुझे हर रोज ताना मारती है कि तेरे सारे देवर बेकार हैं। मुझे कोई गांव नहीं घुमा रहा। ये बात है। अरे विष्णु हमें देर हो रही है यार। भाभी आप जरा भी चिंता ना करो इसको शहर घुमाने का सारी जिम्मेदारी मेरी। किसकी? मेरी। हे देवा ऐसा कर तू पीछे से ऑटो पकड़ के आओ। हाँ, आ जा आ जा आ जा आ जा। हाँ थोड़ा चिपक के बैठो। देवा थोड़ा जल्दी आना। ले आज तो लगता है उस्ताद की लॉटरी लगे यार। क्या टकाटक माल लेके घूम रहा है यार। उसको देख के कलेजा फटा जा रहा है यार। ये क्या कह रहा है? ये हमारे गांव में इतना टकाटक माल कहां से आया है यार? अरे एक्सपोर्ट हुई है बंसी भैया के ससुराल से। बिंदु भौजी की बहन है। मजा नहीं वो साली में तेरी भौजी की बहन। ओए ओए तेरी भाभी की बहन। अरे ओए ओए तेरी भाभी की बहन। ओए 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 आज तो विष्णु भैया की भी लॉटरी लग गई। अच्छा
और ये भी इतना सटके बैठे थे कि हवा भी पास नहीं हो रही थी बीच में से। और ये जहां भी ब्रेकर देखते थे ना, झट से ब्रेक मारते थे, फट से चिपक जाती थी। अब औरे ने खिलाया फूल 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 को ले गया राजकुमार, ले गया राजकुमार, ले गया राजकुमार। यस सर। अरे वाह, तुम तो बड़े सफाई पसंद इंसान हो। अरे मैं तो तेरे साथ घूमने आई थी, पर तूने ही मना कर दिया, और वो तुम्हारा दोस्त मौका मिलते ही चौका मार दिया। अरे मैं उसके लिए रुका हुआ था, काम उसका है मेरा नहीं। खैर तू रुक, मैं जरा कपड़े पहन के आता हूँ। अरे इसी को कहा जाता है मुंह मांगी मुराद। ऐसी कौन सी मुराद पूरी हो गई है? तुम्हारा दीदार कोई मुराद से कम थोड़ी है। अरे छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे हंस के बात क्या कर ली, तुमने उसका गलत मतलब निकाल लिया। तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की ना समझो। देवा इसने मेरे साथ बदतमीजी किया। विष्णु तू इतनी गंदी हरकत कर सकता है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये तू क्या कह रहा देवा, तू हमको जानता नहीं क्या? हम ये काम कभी कर सकते हैं? ये झूठ बोल रही है। क्यों नहीं, झूठ बोलने के लिए एक लड़की अपनी इज्जत दांव पर लगाएगी। और रही बात तेरी, तेरी शराफत का नमूना तो मैंने कल ही देख लिया था। हे, अपनी तिरिया चरित्र छोड़कर देवा को अपना असलियत बताओ। अपनी जुबान को लगाम दे विष्णु। देवा मैं सच कह रहा हूं, ये लड़की के कोई चाल है, मुझे हाथ पकड़ने के लिए इसने ही उकसाया था। देख विष्णु तू चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो गया देवा, अनर्थ तो हो गया। ये दो कौड़ी की लड़की की खातिर तूने अपने दोस्त पे विश्वास नहीं किया, नहीं किया विश्वास। Yeah.
तमाम सबूतों और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि विष्णु और देवा इनके हाथों ही रेखा की मौत हुई। चूंकि ये मौत एक दुर्घटनावश हुई, मगर इसके जिम्मेदार विष्णु और देवा जो कि आदतन अपराधी नहीं हैं, लिहाजा ये अदालत इन दोनों को 3 वर्ष कैदे बामे शक्कत की सजा सुनाती है। जेल से छूटने के बाद समाज से उनका दाना पानी सब छूट गया, मगर दुश्मनी की आग हमेशा जलती है और इस आग में घी डालने का जो काम है ना, वो जुगराज ने किया है और आजकल ये दोनों उसके हाथ की कठपुतली है। ए, जुगराज कौन है? ये जुगराज इस युग का ये रावण ही है, कंस जैसा क्रूर और शकुनी जैसा शातिर। हमारे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा बड़ा व्यापारी इस छोटे शहर में आके क्या उखाड़ेगा, उस टूटे फूटे मकान में क्या रखा है। राजनीति और व्यापार में नजर की परख होनी जरूरी है। आपकी नजर में वो टूटा फूटा फूटा मकान है, लेकिन आने वाले समय में वो व्यापार का गढ़ बनने वाला है। तुम उसकी कीमत बताओ। कीमत? ए छुट्टन, ठीक है भैया, वो मकान खाली हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें कीमत उसी टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ, नमस्कार। अरे मोरी मैया, हे भगवान, वो औरत नहीं थी, वो तो फूलन देवी थी। आते ही पंगा ले लिया और वो विष्णु देवा से तेल लगा के। मुझे दे, मैं दे, क्या करूं? अरे बाप रे, ए मेरी कबूतरी, अरे कबूतरी रे, कहाँ है तू? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, प्राणनाथ नहीं, प्राणनाथ का प्राण जाने वाला है। हा? मेरी कबूतरी, तू विधवा हो जाएगी, हमारे तुम्हारे अनाथ हो गए। शुभ शुभ बोलो। तेल लगा के अब शुभ हो चाहे अशुभ हो, अंतिम बोली है मेरी। मेरी मौसी आई है इस तेल लगा के, वो यमराज की मौसी थी, मुझे ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर दिया है उसने, यमदूत बन के। देवो और विष्णु आते होंगे। सुन 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 चुप, अंदर घुसेगा तू कहता ये प्यारे तो 4 बजे सुबह ही मर गया। ठीक है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हे भगवान, नहीं मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, मैं क्यों खोलूं? अरे साले रुक साले, अरे पक्का ही कब्र बोलने जा रहा है तू, पता नहीं क्या था कि इसको पैदा कर दिया था। अरे अले अले, आइए आइए मौसी। मौसी, ये दोनों प्यारे भैया के बेटे हैं, हमारे तुम्हारे। अच्छे से प्रणाम करो, झुक कर खुश रहो। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ, मेरे धंधे का टाइम हो गया, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो। अरे वाह, मुझे तो मालूम था कि 2 बेटे थे, लेकिन इतने भोले भाले हैं ये तो नहीं मालूम था। रुक जा। हाँ? ये है तेरे लिए, हाँ, और ये है तुम्हारे लिए। हाँ? प्रणाम मौसी जी। खुश रहो खुश रहो, तुम तो बहुत सुंदर हो। लगता है तेरे पर ही गए हैं बच्चे। हाँ, रुक जा। ये लो, ये तुम्हें हमारी तरफ से मुंह दिखाई। हाँ, और ये प्यारे कहाँ गया है? हाँ, मोड़ लग रहा हूँ मौसी। अरे प्यारे, क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए? अगर पारो नहीं होती मैं तो गुम जाती ना। हाँ, अरे दुल्हन, ये तुम्हारे गांव में तो बड़ा बदमाश किस्म के लड़के लोग रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गोली बंदूक निकाल लेते हैं। आते के साथ ही दोनों जन का कान खींचा मैंने। हाँ मौसी, मेरा नाम बताया हो तो डर 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 कपड़े होते।
रुक जाओ। ए ले। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं तो प्यारे भैया का पैसा देने आया था। कैसा पैसा बेटा? उधार लिया था मैंने, जाने में देर हो रही थी तो सोचा कि रास्ते में भैया का पैसा देते हुए निकल जाऊंगा। क्या काम करते हो बेटा तुम? एक लोहार के यहाँ लोहा पीटने का काम करता हूँ। लेकिन प्यारे तो दुकान पे है। तो ठीक है, दुकान पे ही जाके दे देता हूँ पैसा। अच्छा अच्छा, रुको मैं भी चलती हूँ। अच्छा बेटी कबूतरी, दरवाजा बंद कर लो, चलो। ठीक से, हाँ चलो चलो। हे जुगराज, क्यों पार्टी की लुटिया डुबाने पे लगा हुआ है तू? अरे सचिव महोदय, प्रणाम प्रणाम। अरे आप खुद ही चल के हमारे घर आए, अहो भाग्य हमारा। कोई गलती हो गई क्या? अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। अरे चाय लेके आओ रे। क्या जरूरत थी तिलकधारी को धमकाने की? हाँ अरे साले को सीधा मार दिया होता, विपक्षी दल के हाथ में झुंझुना लग गया है। इससे पहले कि वो झुंझुना बजाए, तोड़ दे उसको। भैया वो साला तिलकधारी को मैं आज ही जान से मार दूंगा। ए छट्टन, अरे जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये सब काम तुम्हारे करने लायक नहीं है, विष्णु को बुलाओ। जय लक्ष्मी मैया, ओ मैया जय लक्ष्मी मैया, केवल मेरे पास ही आना और दूसरे के पास मत जाना। जय लक्ष्मी मैया, ओ मैया जय लक्ष्मी मैया। हे भगवान, सुबह सुबह तेरा नाम लिया और ये साले शैतान आ गए। जय लक्ष्मी मैया। प्यारे भाई, ये लिस्ट पकड़ो जरा। हाँ, और एक पैकेट सिगरेट लेके आओ। ना भाई, बनिया हूँ, बिना बोनी के तो मैं एक चॉकलेट नहीं दूंगा। तू इन्हें एक महीने का लिस्ट समा दिया तेल लगा के। क्या रे प्यारे? हाँ क्या बोला रे? ये पैसा लेके कब्र में जाएगा क्या? ये पर्ची उठाओ और सारा सामान 2 घंटे के अंदर मेरे अड्डे पे पहुंच जाना चाहिए, समझे? और 2 पैकेट सिगरेट भी। ओके। मर जाओगे जी तो कैसे खाओगे घी? ट्रेनिंग कर देगी। बिना पैसे का कोई चीज खाना हराम खोरी कहा जाता है। ये बात तुम्हारा पढ़ा लिखा दोस्त नहीं बताया क्या? हाँ अरे तुम लोगों से अच्छा तो वो लड़का सलीम है, जो वैसे हाल में भी लोहा पीट के पेट पालता है, और तुम लोग इतने हट्टे कट्टे होकर भी इंसान को ठोक के पेट भरते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ यहाँ से। चलो पागल बुढ़िया। ए मोची, अरे तू बार बार चंडिका मत बना करा तू। अरे तेरे जाने के बाद वो साले मुझे पकड़ के चंडाल बना के पूरे गांव में घुमाऊंगा। अरे बाप रे, कुछ नहीं होगा। अरे तू नहीं जानती है, अरे वो साले खानदानी कुत्ते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी से डरते ही नहीं साले। अरे बाप। अरे तू अपनी डर चालीसा बंद कर और एक बात सुन, आज तुम्हारे मौसा का पिंडदान है, मैं जा रही हूँ पूजा करवाने। आज नहीं होगा तो 13 दिन बाद होगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है जा। हे भगवान, ये अतिथि बन के आई थी और अतिथि बन के रहती हैं। इनको सद्बुद्धि दो कि यहाँ से जाए और कुछ दे के जाए। जय लक्ष्मी मैया, ओ माई जय लक्ष्मी मैया। इस बार के चुनाव में युगराज को सबसे ज्यादा वोट हमारे इलाके से मिलने चाहिए। देवा, इस बार चुनाव में युगराज का निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या है कि इस बार तिलकधारी भी चुनाव के मैदान में खड़ा है। अच्छा, और हम लोग भी तो उनका विरोध नहीं कर सकते ना। देवा, हे देवा, वो विष्णु ने तिलकधारी को मारने की सुपारी ली है, और तिलकधारी आज नदी के किनारे
पूजा कर रहा है और वहाँ साला विष्णु से मारने के लिए गया है। किसने दिया उसे सुपारी? और कौन दे सकता है युवराज? सुपारी चाहे जिसने भी दी हो, विष्णु को सुपारी नहीं खाने दूंगा। चलो सब, आज उसी नदी के किनारे विष्णु के सारे पाप धुलेंगे। लगे हाथ तो अपना भी पिंडदान करा ले, क्योंकि अब तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा बच के, समझा? ए हाथ हटाओ, ये यहां से बिल्कुल जिंदा जाएगा, मर गया इनको मारने वाला। देवा, शास्त्र में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और आज तुम्हारा विनाश तुझे आज यहां ले आया है। वैष्णो, हमने बहुत लड़ाई के टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन आज 2020 खेलूंगा और जीतूंगा भी। हर ऊंट को यही लगता है कि वो पहाड़ से ज्यादा ऊंचा है, मगर उसे ऊंचाई की असली औकात पहाड़ के सामने आके ही पता चलता है। तुम्हारी औकात मैं बताऊंगा। हट हट, पूजा में व्यवधान हो गया, अब पिंडदान का समय आज से 13 दिन बाद होगा। झगड़ा कितना समझा, पूजा में बाधा पड़ गया। मैं अपने पति का पिंडदान भी नहीं कर पाई। मत लड़ो, पूजा भी ठीक से नहीं करने दिया। आज मैं अपने पति का पिंडदान भी नहीं कर पाई। अरे मौसी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू विष्णु और देवा की खूब दबा के मारा। बहुत बढ़िया किए, अब उनको पता चलेगा कि ये दर्द क्या होता है। बहुत बदमाश हो गए हैं दोनों। अगर सही समय पर इन दोनों की शादी हो गई होती, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी सर पे पड़ी होती, तो शायद इतना नहीं बिगड़े होते ये दोनों। ठीक कहा मौसी, देवा का तो ब्याह भी तय था रानी से। दोनों एक दूसरे से, देवा और रानी, बहुत प्यार करते थे, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पारो, क्या तुम मुझे उन दोनों के घर ले चलोगी? क्यों नहीं मौसी, दो मुझे। हाँ चलो, संभाल के। बुड्ढी थी कि झांसी की रानी, इतना
मारा है। मुझे देखने से ही दर्द हो रहा है। चुपचाप लेटे रहो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसे मार खानी पड़े। अरे इतनी लड़ाई क्यों करते हो तुम लोग? कम से कम एक दफा तो सोच लेना चाहिए। कभी तुम लोग जिगरी दोस्त थे, कभी वो दोस्ती के नाम पे कलंक है। देखो तो मैंने तुम्हें कितना मार दिया। भगवान ने इंसान का जन्म दिया है तो इंसानियत का काम करना चाहिए ना। हाँ, अगर गुलामी करना है ना तो भगवान की गुलामी करो बेटा। मैं वही काम करता हूं जिससे विष्णु का नुकसान हो। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा एक बात पूछूं, विष्णु का नुकसान करके क्या तुम्हारा पिछला वक्त वापस आ जाएगा? नहीं ना। ए बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे पूरा सपना समझ के भूल जाओ बेटा। और तुम कुछ ऐसा काम शुरू करो तुम्हारे ऊपर लगा धब्बा मिट जाए और फिर तुम रानी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सको। हाँ, समाज में तुम्हारा नाम फिर इज्जत से लिया जाए बेटा। डर के नहीं, लोग दिल से तुम्हारा नाम ले। हाँ बेटा, दिल से तुम्हारा नाम ले। लो तुम लोग सब खाना खा लो। सारा लोग, इतना दर्द हो रहा है, भूख के मारे साला चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। अरे जल्दी करो सब। और ये साला लोग घर में भी खाना भी नहीं दे रहा है। इसीलिए कहता था कि पारो से शादी कर लो। अरे नहीं कुछ होता तो कम से कम टाइम से खाना तो मिलता। उसका नाम लेकर मेरे दर्द को और ना बढ़ाओ, समझे? साला बुढ़िया के हाथ में कितना दम था यार, साला अंग अंग दर्द कर रहा है। अरे धीरे से बे, ना जाने कौन से जन्म का बदला लिया है। इसी जन्म का बदला निकाल रही हूँ। दिन भर झगड़ा करके अकल पे पत्थर पड़ गया है। ये लो मौसी। ये लो पैसा, जाके चौराहे से दूध लेकर आओ। ठीक है मौसी। पारो, इन भूखड़ लोगों को भी खिला जी दो। जी मौसी। ये लो खाना। लो। मैं नहीं खाऊंगा। मुंह खोलो नहीं तो फिर से पीटूंगी। मौसी दूध। हाँ रुक जा। पारो। हाँ जी मौसी। इधर आओ, इसको गरम करके दूध में हल्दी डालकर ले आओ। ठीक है जाओ मौसी। समय रहते शादी कर लो, लड़की हाथ में है। लड़की निकल गई ना तो इन निकम्मे लोगों के साथ जिंदगी भर चूल्हा चौका करना पड़ेगा। ये लो मौसी। बेटा
गरम गरम दूध पी के ठंडे दिमाग से हमारी बात सोचना। इस जिंदगी में तुम्हारा नफरत और सिर्फ दुख है, और पिछले जिंदगी में प्रेम और सिर्फ सुख था, और देवा के जैसे अच्छा और सच्चा दोस्त था। बेटा, अब फैसला तुम्हें ही करना है। अब तुम्हें दुख और नफरत की जिंदगी जीना है कि प्रेम और सुख की जिंदगी? किसी ने सही कहा भाई, ओल्ड इज गोल्ड। नहीं भाई, ये ओल्ड इज बोल्ड है। अरे सलीम, इतना भागे भागे कहाँ जा रहे हो? आज काम पे नहीं गए क्या? गया था, लेकिन बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए दवाई लेके जल्दी से जा रहा हूँ मैं। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी और तुम्हारी बहन को। चल चलो चलो, बहुत दूर है। हाँ, यहाँ कहाँ है और दूर है? ये घर है। अच्छा, बेटा तुम अपने बहन के साथ यहाँ रहते हो, ये तो जैसे कोई खंडहर लग रहा है। बैठो बैठो। दो, रुको। लो लो बेटी। मौसी, जब से मेरे माँ बाप का गांव में देहांत हो गया, तब से मेरे चाचा चाची ने सारा धन जायदाद बेईमानी करके हमें गांव से भगा दिया था, और तब से हम दोनों भाई बहन बस भटकते भटकते इस जगह पर आ गए। बेटा तुम घबराओ मत, कुछ दिन बाद हम गांव जाने लगेंगे ना, तो तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। ए बेटा, भगवान का दिया हमारे पास इतना है ना कि हम लोगों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ खुद ही एक मेहमान हूँ ना। हाँ, ए जी चाय लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं कब से आपसे कह रही हूँ, सही समय रहते लड़की की शादी कर दो, नहीं तो कोई लड़का नहीं मिलेगा। तुम ठीक कहती हो, इस समाज में जिस लड़की की एक बार शादी टूट जाती है, दोबारा नहीं होती। मैं तो पहले से इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, मगर तुम बाप और बेटी दोनों के सर पर उस खूनी का भूत सवार है। देवा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं डाकू और खूनी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ रानी से मिलने आया हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, तेरे जैसे खूनी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं। ये सब मैं रानी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। रानी, तुम इसे बोल दो कि यहाँ से ये चुपचाप निकल जाए।
देवा, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे इतनी दूरी क्यों बना के रखे हो? हाँ रानी, मुझे लगा कि तू भी दुनिया की तरह मुझे गुनाहगार समझती है, लेकिन अब तुझे यहां से लेके जाऊंगा, वो भी पूरी शान से। देवा हाँ, अगर तुम मुझे दोबारा छोड़ के जाओगे ना, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ? अब तुमसे मुझे सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है, और कोई नहीं। देवा मेरी एक बात मानोगे? बोलो। मुझको तो ना पुराना वही देवा चाहिए, वही जो हमेशा मुस्कुराने वाला, सबके ऊपर अपना प्यार लुटाने वाला। अब नई जिंदगी ऐसी शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ सिर्फ प्यार ही होगा, मौत का डर नहीं होगा। बोलो, मुझे वैसा ही देवा मिलेगा ना? वादा कब साथ न छोड़ब हो, पक्का भइल इरादा कब हाथ न छोड़ब हो। जवार गोरिया हो तहिया, देखी तोहर गौवा जवार गोरिया। चाहे गोली चली चाहे कट्टा, चाहे लाठी चली चाहे भाला भाला भाला, तोहरा नाम में जवानी लिखाई, तोहरा गले पड़ी जे माला माला माला। चाहे गोली चली चाहे कट्टा, चाहे लाठी चली चाहे भाला, तोहरा नाम में जवानी लिखाई। उठाई के चांद जैसन सूरतिया के झांका बुझा कब बुझा कब, हाथे मेहंदी मावर लगा के पिया रस्ता तो हार हम का कब। गोरी हम हो घूंघटवा उठाई के चांद जैसन सूरतिया के झांका कब, ओही दिन के बाटे इंतजार गोरिया हो तहिया, देखी तो हर गौवा जवार गोरिया हो तहिया, देखी तो हर गौवा जवार गोरिया। अरे सुना साला, हमार दोनों सिर मटिया मेट हो गए, मटिया मेट हो गए।
साला, एक बुढ़िया के लिए हमारे दोनों से ढेर हो गए। लगता है कि बुढ़िया नहीं वो मदर टेरेसा है। ए भैया, बीमारी और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रही बात उस बुढ़िया की, उस पर हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। और वैसे भी बहुत दिन से विष्णु और देवा की दुश्मनी की आग में घी नहीं पड़ा है। ए डैनी, विष्णु को खबर पहुंचा दो कि हमने याद किया है। तू? हाँ मैं। कब तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा मेरे राजा? काहे का इंतजार? मेरे से शादी करने का, और क्या। अरे अरे अरे, हटो। बोलो ना, कब शादी करोगे? शादी? और तुमसे? क्यों, मुझ में कोई बुराई है क्या? अच्छाई भी तो कुछ नहीं है, चल हट। ए सुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तू मुझसे शादी कर ले, ठीक है? देखो पारो, बैठो बैठो, सुनो, ये तुम्हारी गलती है। शादी ब्याह घर में रहने वाली लड़की से किया जाता है, तुम्हारी जैसी लड़की गली गली में घूमने वाली से नहीं, समझे? ठीक कहा, अगर तुमसे प्यार करना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी, आज के बाद तुमसे पहले से ज्यादा करूंगी, पर उस प्यार का हक कभी नहीं मांगूंगी। हे ए पारो, अरे पगली, प्यार करने का दावा करती हो पर प्यार करने वाले का मजाक को नहीं समझती हो। तुहारे राजा लेके जल्दी बैंड बाजा जी, आई है तुहारे राजा लेके जल्दी बैंड बाजा जी। रस चढ़े मन बोराई जाला, आगे के सोची सोची जिया हो बराई जाला, हो पूरी पूरी रस चढ़े मन बोराई जाला, आगे के
से लड़ल बाटे तोहरा से नजरिया हो निक नहीं लागे दोसर कवनो सुरतिया हो जब से लड़ल बाटे तुहरा से नजरिया हो निक नहीं लागे दोसर कवनो सुरतिया हो तड़पेला मन हवे कवन लगन ई कैसन बाटे साजाया रे कैसन बाटे मजा जी अहे तोहर राजा लेके जल्दी बैंड बाजा जी ये तुहार राजा लेके जल्दी बैंड बाजा जी। जो भाई जी प्रणाम। अरे विष्णु 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 मेरे शेर आओ गले लग जाओ। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे में दम है और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा पूरे इलाके में एक छत्र राज हो। भाई जी वो तो बटा हुआ है, बस एक क्षेत्र से अपना हाथ उठा दो दूसरा क्षेत्र खुद ब खुद मेरे कदम के नीचे आ जाएगा। हम जानते थे कि ये बहुत चालू चीज है और इसीलिए मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। क्या काम? शहर के दूसरे भाग में एक खंडहर मकान है, मालूम है ना तुमको, उस पर कब्जा करना है। वो क्या है ना विष्णु, देवा से यह काम नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं कर सकता हूं यह काम। हाँ, लेकिन तुझको एक मौका दे रहे हैं हम कि तू अपना दम दिखा सके। विष्णु, इस देवा की वजह से हमारा काम दो बार खराब हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस शहर में हमें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सारा दबदबा खत्म हो जाएगा। अरे क्या सोच रहे हो तुम, देवा भी तो घर ही का है, लेकिन एक बात याद रखना, घर में ढेर इज्जत कमासूत को ही ज्यादा मिलती है और तुम कमासूत हो, समझे? ठीक है भाई जी, ये काम हो जाएगा। चट्टन, देवा को खबर भिजवा दो कि विष्णु उसके एरिया में जा रहा है और मकान पे कब्जा करने वाला है। ठीक है भैया। सबको सन्मति दे भगवान। सलीम, फटाफट तुम ये घर खाली कर दो। भैया, इस रात में हम दोनों भाई बहन कहाँ जाएंगे? हाँ, ऐसा करो, तुम मेरे घर पे चलो। ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। देवा, ये तुम्हें मेरा आखिरी चेतावनी है, मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना। रास्ता तो तू भूल गया है। यह कैसे भूल गया कि यह मकान हमारे इलाके में पड़ता है? शेर का कोई इलाका नहीं होता देवा। वो शेर मैं हूं। तुम शेर हो तो मैं पप्पा शेर हूं। देख विष्णु, यह मेरी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद मेरा मुंह नहीं, मेरा हाथ और हथियार बोलेगा। विष्णु का इरादा कोई नहीं बदल सकता, और हथियार से विष्णु नहीं डरता है, जिगर वाला विष्णु, जिगर वाला। तो आओ देख लेते हैं किसका जिगर कैसा है। रुक जा रुक जा। मैंने तो सोचा कि मेरी ममता
तुम लोगों को बदल देगी, लेकिन ना, ना, लेकिन तुम लोगों के अंदर का इंसानियत मर गया है। लड़ो, खूब लड़ो तुम लोग, और एक दूसरे को मारो और मर जाओ। ये लड़का इस घर में बोझ बना है ना, हाँ बोझ बना है ना, मैं लेके जा रही हूँ। अब ये घर लो और तुम लोग चाट, चल बेटा चल, यहाँ नहीं रहना है, चल बेटा चल। हटो, चलो। ए मेरी कबूतरी, एक बात बताओ थोड़ी, मैं बन जाऊं बड़का सेठ, तू मेरी हो जाए सेठानी। कोई लॉटरी बॉटरी लग गया क्या जी? लॉटरी तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, बस उसका नंबर लगना बाकी है। कब लाए टिकट, थोड़ा मुझे भी बता दो। अरे मेरी गरम तराजू, मेरी मिलावट वाली काजू, मैं अपनी दूर के रिश्ते वाली मौसी की बात कर रहा हूँ, उनका मेरे और तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है अब, और उनका सारा धन, हाँ? दौलत, हाँ? रुपया, हाँ? पैसा, हाँ? सब बटोर के हम लोगों, हाँ? के पास आएगा। ये कोई लॉटरी से कम थोड़ी है। उसके बाद मैं बन जाऊंगा, हाँ? बड़ा सेठ, और तू मेरी सेठानी। ए मेरी सेठानी। क्या रे सेठू। प्यारे बेटा, दो दिन के लिए इन दोनों को यहीं रहने दो। दो दिन के बाद जब मैं गांव जाऊंगी ना, तो इन लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, और ये लोग भी अनाथ हैं, तो हम लोग एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस घर में अनाथ अनाथ का खेल खेलना है तो इस घर से चले जाओ, ये अनाथालय नहीं है, मेरा घर है घर, यहाँ से सामान उठाओ और चलते बनो। बेटा, मुझे बहू का बोलना बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारा चुप रहना ज्यादा बुरा लगा। खुश रहो तुम लोग, मैं जा रही हूं। मैंने सब सुन लिया है मौसी, चलो अब मेरे घर चलो, चलो चलो। अच्छी सोच और अच्छी बात, दोनों में बहुत तेज जहर होता है छुट्टन, एक बार ये अगर दिमाग में घुस गई तो सारी बुराई खत्म, और जब बुराई खत्म तो बुरा काम करने वाला भी खत्म। ए भैया,
मुझे एक बार सिर्फ आदेश दे दो, इन दोनों का जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगा। हाँ। अरे नारे छुट्टन, कमीना दिमाग हमेशा गलत सोचता है, बिल्कुल शतरंज के घोड़ा की तरह। तू एक काम कर, तिलकधारी को उठा ले और फिर देखो हमारा खेल। एक ही वार में शय और मात। सबको सन्मति दे भगवान। अरे रोको रोको गाड़ी रोको भाई, ये क्या हो गया? ए भाई क्या हुआ? उठो 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 जरा। अरे 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 क्या बदतमीजी है, कौन हो? अरे क्या बात है, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो छुट्टन, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बुरा बुरा तो तुमने कर दिया तिलकधारी, इतना बड़ा बुरा कर दिया कि तू मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गया। तुझे क्या लगता है तू मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन में जीत जाएगा? भैया के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। डालो साले को, डालो इस कुत्ते को, अंदर डाल। छोड़ो ले आओ उस साले को खींच के इधर। आओ तिलकधारी, अरे तुम्हें जो इतना कष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और जो तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हुआ उसका क्या होगा? मुझे यहां लाने का क्या मकसद है जुगराज? अरे उसको क्या देख रहे हो? अरे वो तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। वो क्या है कि हम राजनीति का अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो जाहिर है उसमें बलि चढ़ेगी और तू यज्ञ का विशेष अतिथि है। तू आ गया, पूजा शुरू। ओम नमः शिवाय। ए छुट्टन, इसका विशेष ध्यान रखना, ले जाए इसे। ये ठीक नहीं कर रहे हो जुगराज, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। चेरीलाल जी सरकार, बहुत खुश हैं हम, ये लो इनाम। तुम अपना काम याद रखो, हम अपना वादा याद रखेंगे, जा। बहुत कमीना है साला। छुट्टन। हाँ? बल से तुम राजनीति की कुर्सी तो पा सकते हो, पर वहां बैठने के लिए छल की जरूरत होती है। हम अपना छल दिखाते हैं और तू अपना पल दिखाओ। क्या करना है भैया? वो बुढ़िया हमारा दोनों हाथ काटने की गलती कर रही है। विष्णु और देवा के गिरफ्तार होते ही तिलकधारी, हरिलाल और बुढ़िया का काम तमाम कर दो। सबको सन्मति दे भगवान।
नहीं चले, वो है जवान खोज बिन कह दाले। मुटका पत्तर का से काम नहीं चले, वो है जवान खोज बिन कह दाले। चार पांच बर्तन में बहना ही मारब, चार पांच बर्तन में बहना ही मारब। आ गए हम के होश रे, हमर जवान चुप हो जाइए सब लोग। सब क्या हो रहा है? हमारे नेता तिलकधारी को अगवा कर लिया गया है और इसमें से विष्णु और देवा में से किसी एक का हाथ है। उन्होंने पहले भी हमें धमकी दी थी। ठीक है, तुम लोग अपनी पुलिस रिपोर्ट लिखवा दो, पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी शुरू करेगी। हमें कार्यवाही नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम गांव के चौराहे पर अनशन करेंगे। ठीक है, तुम हो नेता? हाँ। आओ रिपोर्ट लिखवा दो। तिवारी जी सर, इनके FIR लिख लो। जी सर, आइए चलिए जाइए।
अब समय आ गया है जुगराज को बताने का कि खाकी और खादी में क्या अंतर होता है। ए, रुक, 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 रुक। जय हिंद सर। जय हिंद। इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? एक जरूरी काम है। अरे पुलिस के पास हमारी सुरक्षा से ज्यादा कौन सा जरूरी काम हो सकता है? इस देश की सुरक्षा का काम है और इस देश से रावण रूपी इंसान को मिटाने का भी काम है। रावण? ए इंस्पेक्टर, कहीं तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं? इशारे से बुराई का नाश नहीं होता सर। अगर ऐसा होता ना तो इस देश में रावण सर उठा के घूमता नहीं। तिलकधारी का किडनैप किसने करवाया ये मैं जानता हूं। घंटा घंटा मालूम है तुम्हें? मैंने करवाया तिलकधारी का किडनैप। तुम्हारे पास कोई सबूत है इसका? कोई बात साबित करने के पहले पुलिस के पास सबूत होना चाहिए। ए इंस्पेक्टर, ई खादी में बहुत ताकत होती है। जानता हूं कि खादी में बहुत ताकत होती है, लेकिन खाकी में हिम्मत और जुनून भी है। अरे देख ली तुम्हारी हिम्मत, जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। उखाड़ूंगा सर, और ऐसा उखाड़ूंगा कि देह में दर्द नहीं होगा। सबको सन्मति दे भगवान। मौसी मौसी, बस दो दिन की तो बात है, रुक जाइए, पूजा करके जाना। नहीं, मुझे नहीं रुकना है, मेरा मन यहाँ से भर चुका है। यहाँ के लोगों में किसी के खातिर कोई मोह ममता नहीं है। यहाँ के लोगों के भीतर की संवेदना मर चुकी है। इन गांव वालों को खातिर हर रिश्ता से बड़ा बस एक ही रिश्ता है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। हमें माफ कर दो मौसी। हमें माफ कर दो मौसी, दरअसल हम दोनों भटक गए थे। मौसी, हमें कभी किसी ने प्यार से नहीं समझाया, हमेशा लातर दुत्कार मिला। हमें आखिरी मौका दो मौसी, हम समाज में फिर से वही जगह बनाकर दिखाएंगे। रुक जा मौसी। मान जाना मौसी, अब हमें समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। मान जाना मौसी। मैं बहुत खुश हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। हमको दो दो बेटा मिल गया। मैं मर भी गई ना तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मेरे अर्थी को कान्हा देने के लिए मेरे दो दो बेटे हैं, दो दो बेटे हैं। हाँ, फिलहाल तो तुम्हारे ये दोनों बेटे जेल के अंदर जाएंगे। विष्णु, देवा, तुम दोनों ने मिलकर तिलकधारी का अपहरण किया है। उसके आदमियों ने तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। तिवारी, अरेस्ट करो इन दोनों को, चलो। नहीं, चिंता मत करो मौसी, अभी गए और अभी आए। चलो चलो चलो, हटिए, चल देवा, चल, कानूनी कार्रवाई करने दीजिए। चलो बेटा, चलो। नहीं, चिंता ना करो मौसी, हम आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, विष्णु और देवा ऐसा नहीं कर सकते। मामा जुगराज के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारी हकीकत का पता हरीलाल से पता चलेगा। देखो, कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी मत करो, कानून को अपना काम करने दो। चलो। अरे कुछ मत बोलो, जरा सुनिए तो सही। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो। मौसी, मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ भाग कर आ गई। विष्णु और देवा ऐसा नहीं कर सकते। मामा जुगराज के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सारी असलियत का पता हरिलाल से ही पता चलेगा। ये हरिलाल कहाँ मिलेगा बेटी? तो चलो मौसी मेरे साथ, जल्दी आओ, जल्दी चलो मेरे साथ। चलो। Oh,
छोड़ो मुझे। अरे क्या, अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम लोग? मुझे किसने को किया है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे जब तुझे नहीं मालूम तो तूने विष्णु और देवा के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाया है? अरे छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो तुम लोग, छोड़ दो। देख अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया, बहुत देर तक तो नहीं बचा पाऊँ। सच सच बता दे तू, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बोल, इसे पुलिस चौकी ले चलो। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता किसने किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सच सच बता दे, बोल रही हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ कैसे बताऊँ कि जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। साला हरिलाल, हरिश्चंद्र की औलाद। मौसी, 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 क्या हुआ मौसी? मौसी, 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 क्या हुआ? मौसी, 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 उठो मौसी। विष्णु, मौसी, देवा, मौसी, 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 विष्णु, मौसी, मौसी। ए रुक, ए विष्णु भैया, देवा भैया, गजब हो गया भैया, वो छोटू ने मौसी को मार दिया भैया, मौसी को मार दिया भैया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे साले, नहीं छोड़ूंगा। आजा, 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 आ गए। चल देवा। सूरज डूबने वाला है, मौसी का कोई संतान तो है नहीं, कोई भी पांच जन मिलकर मुखाग्नि दे सकता है। रुक जाओ सब। किसने कहा कि इनकी संतान नहीं है? इनकी दो संतान है, एक है विष्णु और दूसरा देवा। सन्मति दे भगवान। हा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 ह
आज हमारे असंभव असमेक यज्ञ की पूर्णाहुति है। आज हमारा सब संकट दूर हो जाएगा। ओम शांति। आज हम अंतिम बार पाप करेंगे। ओम शांति। चलो, तुम्हारी बलि चढ़ाने के बाद हम गंगा स्नान करेंगे। ओम शांति। सारे पाप का बोझ उठाएंगे विष्णु और देवा। ओम शांति। सबको सन्मति दे भगवान। जाओ उन लोग को संभालो, इन लोगों को मैं देखता हूं। हाँ, चलते वाह। मार साले को। जुगराज, जुगराज, हे जुगराज, निकल बाहर, निकल साला, निकल, जुगराज। रुक जा छुट्टन, अब तुम लोगों के पाप का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा, बल्कि तुम लोगों को दुनिया से उठाऊंगा। आज तुम लोगों का ऊपर जाने का आखिरी दिन है। वाह, तो आज तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और हम तुम्हारे दुश्मन बन गए। ए विष्णु, देवा, तुम दोनों ने यहां आके बहुत बड़ी गलती की है। तुम दोनों को मरवा के फेंकवा दूंगा और दुनिया यही सोचेगी कि तुम दोनों आपस में लड़के मर गए, क्योंकि क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी जग जाहिर है। ए छुट्टन, मार इन दोनों सालों को। ए, मार सालों को। Yeah.
ए छुट्टन, अरे का हुआ रे मेरे भाई को, अरे का हुआ रे हमरे भाई को। छुट्टन, ए मेरा भाई रे, उठना भाई उठना, ओ विष्णु, देवा, ए भाई। इन दोनों सालों को मारो, ऐसा मारो कि मौत के नाम से भी ये थर्राए। सबका सन्मति दे भगवान। Thank you.
ये है तुम्हारा आखिरी तांडव, चल देवा। बोला करे जा कर जुबा फार दे बुका।